उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। चुनावी तैयारी को लेकर पाताल देवी पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में चुनावी प्रबंधन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जहां मंत्री रेखा आर्य ने कहा आज लोकसभा प्रभारी के रूप में प्रभारी जी ने बैठक ली है, जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी से लेकर विधानसभा संयोजक और प्रबंध समिति, ये सभी लोगों को बुलाया गया है, जिसमें आने वाले समय में किस प्रकार हमारे को बूथों पे काम करना है, किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन करना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है और किस प्रकार के मुद्दे जो है जनमानस के मध्य में रखना है, किस प्रकार से हमें रिप्लाई करना है, ये सारी चीजों पे आज समीक्षा की गई है और उसके लिए लोकसभा प्रभारी जी ने उसमें मार्गदर्शन भी दिया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा को जिताने के लिए यहाँ पर योजना बनाने के लिए बैठे हैं हम सब लोग कार्यकर्ता। यहाँ पर हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, हमारे प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। सबने लक्ष्य निर्धारित कराया है कि हम 5 लाख से अधिक मतों से इस लोकसभा को जिताकर आदरणीय मोदी जी को कमल का फूल देने वाले हैं। और कार्यकर्ता में भारी उत्साह, जनता में भारी उत्साह, जिस प्रकार हमारी प्रदेश की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के लिए डबल इंजन की सरकार ने कराया है, निश्चित तौर पर एक भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है।